मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कि क्या प्रॉब्लम है मिस्टर सलूजा? आपको बिना मिले जाना चाहती हूँ। तो गई क्यों नहीं? नहीं जा पाई। कभी कभी मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पाता। गिटार? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये गिटार मैंने पहले भी देखा है? अनामिका, आपने ये गिटार कहाँ से लिया? ये तो इसी घर में था। इस पे आनंद कुमार भी लिखा। शायद ये घर भी आनंद कुमार का हो, पता नहीं। आपको गिटार बजाना आता है? थोड़ा थोड़ा। तो प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा प्ले कर दीजिए। Are you okay? हाँ, या बारिश आने वाली है। Thank you.
आपने पिछली बार भी यही कहा था। आज मुझे यकीन है बारिश जरूर आएगी। अनामिका जी, मुझे आपसे बड़ी खुशी होगी अगर तुम जीत की जिंदगी में रानो की जगह ले। छवि, इस घर की बहू बनने को तैयार है ना तू? तुमने जो किया इस घर के लिए, मेरे लिए, वो सिर्फ रानो या उसके जैसा ही कोई कर सकता था। तुम जैसी लड़की मेरी जीत की जिंदगी में आएगी तो उसे कोई मुश्किल नहीं हो सकती। मत चाहिए, मत चाहिए।
छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं आपकी तरफ खींचा चला आता हूं? जब आपको देखता हूं सब कुछ ठीक लगता है, और जब आप नहीं होती तो क्यों मैं बेचैन हो जाता हूं? और जब आपसे मिलता हूं तो क्यों मेरी सांसें रुक जाती हैं? दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? सोते जागते उठते बैठते सिर्फ आपके बारे में सोचता हूं। जब आप मेरे साथ होती हैं तो सब अच्छा लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है अनामिका? क्यों मैं आपसे दूर नहीं जा पा रहा हूं? आपकी आंखें, आपके होंठ, आपके बाल, आपके जिंदगी जीने का तरीका सब कुछ पागल कर देते हैं मुझे। आई थिंक मुझे आपसे प्यार होने लगा है। आई लव यू। I love you, Anamika. परेशान क्यों हो रहे हो? प्रताप, पुत्र तो जीत के साथ बात करना छवि के बारे में। नहीं बेबे, मैं दूसरी शादी के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूँ उसमें। वैसे ही छोटी सी उम्र में इतने बड़े हादसे से गुजरा है वो, प्राणों को खोया है उसने। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जीवन का फैसला वो खुद करे बिना किसी दबाव के। दामाद जी, वो सब तो ठीक है, पर आप खुद सोचो, अब इतना बड़ा सदमा झेलने के बाद अगर हम सब घर के बड़े उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं देंगे, तो फिर बाकी की जिंदगी जीना तो उस बेचारे के लिए मतलब मुश्किल ही हो जाएगा ना। हाँ पुत्र, समदिन जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि हम जीत के ऊपर दबाव डालें। मैं तो चाहती हूँ कि हम उसे ठीक से समझाएं कि बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और बेटा, तुझसे अच्छी तरह और कौन समझा सकता है उसे? समझा उसे बेटा, तेरी बात वो जरूर सुनेगा और मानेगा भी। ठीक है, बात करता हूं उससे मैं।
काफी देर हो गई, अभी आपको चलना चाहिए। और अगर मैं कहूं मुझे नहीं जाना? लेकिन रात काफी हो गई, तो लोग क्या कहेंगे? आप कब से लोगों के बारे में सोचने लग गई? आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। उन्हें मैं समझा दूंगा। अरे आप, अब आपको जाना चाहिए। गुड नाइट। इस तरह कोई मेहमानों से जाने के लिए नहीं कहता। मेहमान इसे रुकते भी नहीं। जाने का मन नहीं कर रहा। जाना तो पड़ेगा।